तो बीट्स क्या चीज है? व्हेन टू हार्मोनिक वेव, जब दो वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, नियरली सेम का मतलब ये नहीं है कि एक की फ्रीक्वेंसी अगर 40 है तो दूसरे की 400 है, नहीं, एक की अगर 40 है दूसरे की 42, 41, 43 इतनी की है, 5-7 का ही फर्क है। इन सेम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सुपर इम्पोज अपॉन ईच अदर मिल जाती हैं अगर ये दोनों वेव्स, द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड, तो जो नई वेव निकल के आएगी उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ऐसे होता है कि उसकी जो वेव की एनर्जी है वो कितने एरिया में और कितनी देर में प्रोपोगेट करके गई है, यानी कि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। आप सिंपली एनर्जी से समझो, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड एट अ पॉइंट इन द मीडियम राइजेज एंड फॉल्स पीरियोडिकली विद टाइम। तो एनर्जी या उसकी जो इंटेंसिटी है वो पहले वो इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि आपको आवाज एकदम पहले ज्यादा सुनाई देगी, फिर बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो इस तरीके की जो वेव्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या जनरेट हो गई, बीट जनरेट हो गई। ठीक, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स दो तरीके, एक नंबर में आएगा तो ग्राफिकल मेथड पूछ सकता है। तो ग्राफिकली अगर एक नंबर में लिखना हो तो आपने कोई भी एक वेव जनरेट कर देनी है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50, फिर एक और वेव है ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, मान लो फ्रीक्वेंसी 40, दोनों मिलके नई वेव जनरेट करेंगे। तो जब नई वेव जनरेट होगी, रफ आइडिया है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक बार एम्पलीट्यूड ज्यादा करना, एक बार कम करना, एक बार ज्यादा करना, एक बार कम, तो ऐसे ज्यादा कम ज्यादा कम ऐसे शो करना है। पर ज्यादातर मैथमेटिकल आता है, एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स के अंदर आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन मान लो वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एक वेव जनरेट हुई साउंड वेव, तो जिसकी इक्वेशन क्या है, ए साइन 2π बाय लैम्डा 1 इनटू vt माइनस x, माइनस साइन का मतलब वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरी वेव भी आपने लेनी है लेकिन उसकी वेवलेंथ आपने डिफरेंट लेनी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने डिफरेंट लेनी है। पर चलो अगर फर्स्ट वेव ये है, इसको मॉडिफाई किया गया, लैम्डा 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, वी अपॉन लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन आ गई, मॉडिफाई कर लिया। दूसरी वेव में क्या चीज चेंज करनी है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो दूसरी वेव आ गई। ये दोनों वेव क्या हो जाएंगी, मिलेंगी, इन्हें ऐड करके नई वेव की इक्वेशन निकलेगी। मिलाने से पहले काम करते हैं, मान लो यहां पर वेव जनरेट हुई पहली वेव, और मान लो वो एक्स वो डिस्टेंस है जहां पर वो वेव पहुंची, तो ये उसकी इक्वेशन है एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल की या वेव की। दूसरी वेव भी एक्स डिस्टेंस पे पहुंची, जब मैंने ऐड करूंगा तो ऐड मैं कहां पे कर रहा हूं, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स ऐड कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं, आपको वेव को मिलाना ही है ना, तो वो सिंपलीफाई करने के लिए एक्स को जीरो ले लेता है। वो कह रहा है वेव को जरूरी आपने एक्स डिस्टेंस पे जाके मिलाना है, आप यहीं मिला लो जहां से वो जनरेट हो रही है। तो जैसे ही वो जनरेट हुई वो पॉइंट गया ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसमें जीरो जीरो पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन ये निकल आएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि जरूरी एक्स डिस्टेंस पे मिलाना है, आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मिला लें। तो ये दो इक्वेशंस हैं, सुपर पोजिशन करते हैं, इन्हें मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो नई वेव आएगी। तो जब आपने इन्हें सुपर इम्पोज किया, ऐड किया, ए कॉमन, मेडिकल के स्टूडेंट्स, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके अंदर एक फंक्शन साइन है, एक फंक्शन कॉस का है, टू यहां से कट के कैंसिल हो जाएगा। अब दो तरीके हैं, या तो आप साइन को पीछे रखें या कॉस को आगे रखें, या साइन को आगे कॉस को पीछे, कैसा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें साइन को पीछे रख लिया तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो नई वेव आई उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट, ये पूरे का पूरा मैंने यहां लिख दिया, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक, तो एम्पलीट्यूड याद रखना, अगर ज्यादा है वेव का, एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब वो पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है जोर जोर की, यानी कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है,
एनर्जी ज्यादा करने का मतलब उसके पास इंटेंसिटी ज्यादा है। तो याद रखना, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है, एक ही बात है। तो बीट्स जनरेशन में होता क्या है, एक बार इंटेंसिटी ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा, एक बार कम, या ऐसा बोल सकते हैं एक बार एम्पलीट्यूड ज्यादा, एक बार कम, एक बार एम्पलीट्यूड ज्यादा, एक बार कम, ऐसे सोच लेते हैं। तो ये आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो पहला केस, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो ये कॉस थीटा की वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, या करेक्शन करना टू ए नहीं आएगा, सिर्फ कॉस आएगा। तो कॉस ऑफ ये पूरा एंगल शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कॉस थीटा प्लस माइनस वन, तो मैथ्स में जब कॉस थीटा प्लस माइनस वन है तो एंगल को क्या होना चाहिए, एंगल इज इक्वल टू व्हाट, एन पाई। तो मैथ्स में याद करना पड़ेगा मेडिकल स्टूडेंट्स को, एंगल एन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास सॉल्व करके टाइम आ गया। इस एन की वैल्यू कैन बी जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, कुछ भी। जब मैं जीरो पुट करूंगा तो टाइम जीरो, वन पुट करूंगा तो टाइम टू, थ्री एंड सो ऑन। ये वो समय है, ये वो टाइम है जब एम्पलीट्यूड क्या देखा जाएगा, मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम होगी बीट की। तो अगर आप किन्हीं भी दो समय को माइनस कर लें, इसको 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 नेक्स्ट को इसको, तो आपका डिफरेंस सेम आएगा, वन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू, इसको कैपिटल टी लिखा जाएगा। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमा, जो ये शो कर रहा है कि मैक्सिमा पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, फिक्स टाइम के बाद मैक्सिमा अचीव हो रहा है। तो अगर आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी, जब एम्पलीट्यूड बीट का क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब कि अगर मान लो पहली फ्रीक्वेंसी 50 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी मान लो 49 है या 48 है, तो डिफरेंस कितना है, 2। इसका मतलब एक सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पर सेकेंड, एक सेकेंड में दो मैक्सिमा जनरेट होंगे। अगर मान लो ये 50 है, ये 40 है, तो डिफरेंस कितना है, 10। तो एक सेकेंड में 10 मैक्सिमा जनरेट होंगे, ये मैक्सिमा होने की फ्रीक्वेंसी है। अब मिनिमा होने की फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा प्लस माइनस वन नहीं, क्या होगा, जीरो। और मैथ्स में याद रखना, जीरो तब होता है एंगल, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, जब ये एंगल क्या होगा, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। तो पाई से पाई कैंसिल, टाइम आ गया। इतने टाइम पर जब आप एन को जीरो, वन, टू, थ्री पुट करोगे तो टाइम आएगा, जीरो पुट करोगे, वन पुट करोगे, टू पुट करोगे, तो इतने इतने टाइम पर एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मिनिमम। क्लियर है यहां तक? तो ये वो समय है जब एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो अगर आप किन्हीं भी दो टाइम को माइनस करोगे, आंसर फिर से क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो ये टाइम पीरियड है मिनिमम होने का, जब एनर्जी मिनिमम होगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। और अगर आप इसको रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, मिनिमा की फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमा की फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल आ गई, मतलब कि अगर मान लो एक फ्रीक्वेंसी 50 है और एक 40 है, तो डिफरेंस 10 है, तो एक सेकंड में 10 मिनिमा जनरेट होंगे, इसका मतलब ये है। तो अगर मैं, ये मैक्सिमा के टाइम है, ये मैक्सिमा के टाइम्स थे, ये मिनिमा के टाइम्स हैं। अगर मैं एक लाइन में इनको प्लॉट कर दूं, तो देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो क्या जनरेट हुआ था, मैक्सिमा। फिर दूसरा मैक्सिमा इतने टाइम पे था, तीसरा मैक्सिमा इतने टाइम पे था, मिनिमा इतने टाइम पे था, मिनिमा इतने टाइम पे था, मिनिमा का टाइम दोनों मैक्सिमा के बीच में होगा, मिड पॉइंट में, हाफ इन दोनों के मिड पॉइंट में होगा। तो ये प्रूफ है कि बीट्स में पहला अगर मैक्सिमा तो दूसरा पक्का मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिक्स टाइम के बाद मैक्सिमा मिनिमा जनरेट हो रहे हैं, इट चेंजेस पीरियोडिकली, इसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ बीट्स। ठीक है यहां तक? और एंड में एक बीट का मतलब क्या होता है, एक बीट का मतलब होता है एक मैक्सिमा और एक मिनिमा को एक बीट बोलते हैं। तो मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू वन माइनस न्यू टू, मिनिमा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू वन माइनस न्यू टू, बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू वन माइनस न्यू टू। तो इसका मतलब अगर एक फ्रीक्वेंसी 50 और एक 40, तो बीट फ्रीक्वेंसी 10, 10 का मतलब कि 10 मैक्सिमा जनरेट होंगे इतने टाइम में, और 10 साथ ही साथ मिनिमा भी जनरेट होंगे, इसको बोलते हैं 10 बीट जनरेट होंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये 10 बीट जनरेट होंगे, और न्यूमेरिकल्स के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आएगा, न्यू वन माइनस न्यू टू। जब एग्जाम में आएगा डिस्कस जनरेशन ऑफ बीट्स या फॉर्मेशन ऑफ बीट्स,
मैथमेटिकली अगर आएगा तो ये पूरा यहाँ तक करके आना है आपने।